आज मसाला किचन में बन रही है हलवाइयों जैसी दही। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। यकीन मानिए, दही ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही मन हो जाए उसे खाने की। चाहे उसकी लस्सी बनाओ या जो भी रेसिपी बनाओ, दही बहुत अच्छा होना चाहिए। दही हम बनाते हैं, कभी टेस्टी नहीं बनता, कभी खट्टा हो जाता है, क्या कारण होता है? आज ये पूरे वीडियो में आप देखिए कैसे आप दही जमाएं और कैसे आप आज आप 6 घंटे में जमा रहे हो, कल आप 3 घंटे में जमाओगे, फिर आपकी 1.5 घंटे में दही जम जाएगी, कैसे आखिर? ये सारी रेसिपी आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने लिया दूध। दूध आप फुल क्रीम लेते हैं या आप टोन मिल्क लेते हैं, जो भी आप दूध से दही जमाते हैं, या गाय के दूध से भी आप दही जमा सकते हैं, जो आपके घर में आता है, जिसको आप अच्छा समझते हैं दही के लिए, वही आप दूध लीजिए। बस फर्क इतना होगा कि अगर आपका टोन मिल्क होगा तो उसको लास्ट में उबलने के बाद 5 या 4 मिनट उसे स्लो पे पकने दीजिए, जिससे क्या होगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा और दही आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। और एक खास ट्रिक जो आज बताऊँगी, उससे तो दही आपका बेहद बढ़िया बनेगा। यहाँ देखिए, ये है मिट्टी के बर्तन। खास तौर से गर्मियों में हमें मिट्टी के बर्तन में ही दही जमानी चाहिए। मिट्टी के बर्तन को यूज़ करने से पहले ओवरनाइट हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। होता क्या है, ऐसे में आपका जो ये मिट्टी का बर्तन है वो इतना मजबूत हो जाता है कि ये टूटता भी नहीं। अब जैसे अभी तो हम इस बर्तन में दही जमा रहे हैं, लेकिन ऐसे बर्तनों में हम कभी कभी बिरयानी भी बनाते हैं, कोई चीज़ दम चीज़ बनाते हैं, तो उसे हम जब गैस पर रखेंगे ना तो ये टूटेगी नहीं, ये खास बात होती है। पूरी गर्मियों में आप इस दही जमाइए और कैसे देखेंगे, इसमें परफेक्ट दही जमता है। मैं पहले भी कई बार आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि हमने दूध को उबाल लिया है। अब दूध हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कोई फिंगर डालें तो वो हम एकदम से उछालें नहीं, मतलब इतना होना चाहिए कि हम सहन कर सकें उसकी गर्माई। तो आज पहली बार इस नए बर्तन को मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं बताऊँगी कि कितने घंटे लगे, बाद में इसी बर्तन में कितनी जल्दी ये दही जमेगा वो भी मैं बताऊँगी। ये देखिए, पूरे दूध को मैंने उबाल के जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, मैंने जामुन लिया, जामुन में भी थोड़ा सा दूध डाला और उसको मिक्स किया। अब मैं इसे थोड़ा सा विलोर रही हूँ। ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करें, इससे हलवाई लोग इसी तरीके से करते हैं या फिर एक बड़े बर्तनों में वो उछालते हैं। हम उछाल तो नहीं सकते, पर इस तरीके से विस्क से या किसी भी मथनी से आप इस तरीके से मथ लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो ये दही ना बहुत ही परफेक्ट बनता है। और हाँ, यहाँ एक बात, ये पतीला देखिए, पतीले में मैंने जब शुरू में दूध डाला था तो थोड़ा सा पानी डाला था। क्यों डाला था, कि हमारा दूध का पतीला कभी भी जले नहीं, नीचे बिल्कुल चिपक जाता है, दूध वेस्ट होता है, ऐसा ना हो। तो देखा आपने, यहाँ नहीं जला ना दूध का पतीला। अब बारी आती है इसे हम रखें कैसे। अब ये बड़ा सा बर्तन है, या तो आप प्लेट से रखते हो तो इस तरीके से थोड़ा सा उसे हवा लाने दीजिए, जिससे क्या है उसमें थोड़ी मलाई भी जम जाए, या फिर इस तरीके से छन्नी रखिए, जिससे क्या है ये बहुत ही बढ़िया मलाई वाला दही जमेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ऊपर से एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए। अब आप इसे पहली बार जब इस मिट्टी के बर्तन में जब आप दही जमाते हो तो कम से कम इसे 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ठंडक पहुंचाती है, तो एकदम से पहले पहले उसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए, पूरे 6 घंटे हो चुके हैं और ये दही बहुत ही परफेक्ट जम चुका है। अब इसे उठा के आप चाहे तो यूज़ करिए या फिर आप फ्रिज में रखिए। गर्मियों में खास मैं आपको एक बात बताऊंगी, अक्सर दही हम रात को जमाते हैं, लेकिन सुबह कई बार जब लेट उठते हैं या फिर दही फ्रिज में रखने में लेट हो जाता है, तो सुबह नाश्ते के लिए जो दही हमें चाहिए होता है उसमें थोड़ा पानी पानी आ जाता है। तो अक्सर आप 4-5 बजे दही जमाइए, रात को 10 बजे तक आपका दही जम जाएगा। उठा के फ्रिज में रखेंगे, सुबह वो दही आपको इतना बढ़िया मिलेगा कि आप कहेंगे ये ट्रिक बहुत पसंद आई। तो लीजिए, मैं भी इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। अब मैं मिलूँगी जब ये दही बहुत ही परफेक्ट जम जाएगा, मतलब जमा हुआ तो है, जब ये ठंडा हो जाएगा, चिल्ड। लीजिए, मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, ये दही देखिए। आप दही का रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद बेहद पसंद आएगा। बहुत ही बढ़िया दही जमा है, इसमें कोई पानी नहीं है, ना तो ये खट्टा हुआ है और ना ही ये बिना स्वाद का है, बहुत ही स्वादिष्ट दही है। इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाइयों जैसा, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा दही लगेगा।
तो देखा ना आपने कैसी परफेक्ट दही जमी है। हमें दही ऐसी ही जमी हुई अच्छी लगती है। अब इससे आप जो भी रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फ्रूट रायता बनाएंगे, कोई मीठी लस्सी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इतना गाढ़ा दही होगा कि आपको इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। क्या आप भी इस तरीके से दही जमाते हैं? आपको भी इस तरीके से मथुरा वाली दही पसंद है तो इस तरीके से दही ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये दही आपको। तो यहाँ देखिए, इस दही से मैं चार टाइप की लस्सी बना रही हूँ, चार से पांच टाइप की। इतना गाढ़ा दही है कि मुझे एक्स्ट्रा बर्फ, एक्स्ट्रा पानी डालकर उसे नॉर्मल करना पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया ये दही जमा है। अब इस दही के बर्तन को हम साफ कैसे करें? मेन प्रॉब्लम यही आती है, मिट्टी का बर्तन हम चूज़ करके दही की लस्सी तो बनाते हैं या दही तो बनाते हैं। अब इसको साफ़ करने का भी खास तरीका होता है, इसे हमें जूठे बर्तन में नहीं रखना है। इसे हम साफ़ कैसे करें? तो यहाँ देखिए, ये खाली हो गया है। अब मैं आपको इसको साफ़ भी करके दिखाती हूँ। आप इस बर्तन को साफ़ करने की ट्रिक देखिए। दूसरी साइड मैंने एक पैन में पानी गर्म किया है। पानी में मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें धीरे धीरे थोड़ा गर्म पानी डालिए, एक साफ़ प्लास्टिक का ब्रश ले लीजिए और धीरे धीरे इसे साफ़ कर लीजिए। जब ये साफ़ हो जाए, अब देखिए थोड़ा इसमें मैं पानी और डाल रही हूँ, जिससे बिल्कुल परफेक्ट ये साफ़ हो जाए। ये देखिए, अब ये बैक्टीरिया फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और एक बार साफ पानी से वॉश कर लीजिए और इसे एक साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। अब ये अगर आप सेम डे यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस इसमें दही जमाइए। अब आपका दही जो 6 घंटे में जमा था, अब ये 4 घंटे में जमेगा। धीरे धीरे अपना टाइम, क्योंकि ये दही वाला आप बर्तन हो गया ना, इसमें धीरे धीरे आपको गर्मियों में 2 घंटे में दही जम जाएगा, क्योंकि अब इस बर्तन को दही की आदत पड़ गई। तो इसके सारे साइड में दही का फ्लेवर है, तो अपने आप ये दही बहुत ही जल्दी जमाएगा। और एक बात, अगर आप इसमें दही अब नहीं जमाना चाह रहे, अब इसको रखना चाह रहे हैं, तो इस बर्तन को रख रखाव कैसे किया जाए? इस बर्तन को हमें क्या करना चाहिए? पूरा वॉश कर लिया, इसे साफ़ कर लीजिए। कपड़े से साफ़ करने के बाद इसकी थोड़ी सी ऑयलिंग कर दीजिए। ऑयलिंग करने के बाद इसे थोड़ी देर हवा ले लीजिए, उसके बाद आप इसे रख दीजिए। तो ना तो इसमें कभी भी फंगस आएगी, ना ही कोई बैक्टीरिया आएंगे, और जब भी आपको यूज़ करना है, इसे पानी से वॉश करके वापस यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।